भाई होने को कौन टाल सकता है, जो जब होना है तब होना है। लेकिन क्या करें, अक्षरा की लाइफ में इतनी बड़ी वाली प्रॉब्लम्स आ गई है ना कि अक्षरा काफी चिड़चिड़ी हो गई हैं। क्या करें, उनकी लाइफ में इतना बड़ा वाला हादसा जो हो गया है, लेकिन डोंट वरी अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिंघानिया फैमिली के साथ साथ हम भी तो हैं आपका दुख बांटने के लिए। हम आ पहुंचे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां अक्षरा की आंखों से छलक पड़े हैं आंसू, उनकी आंखों से नॉन स्टॉप बह रहे हैं आंसू। रो रो कर अक्षरा का है बुरा हाल, क्योंकि वो चाहती हैं अब सिंघानिया परिवार में ना रहें, और इसलिए वो नैतिक से करती हैं जिद कि अब उन्हें नहीं रहना सिंघानिया फैमिली में। अब उनके अंधेपन की वजह से घरवाले परेशान हैं और वापस अक्षरा हॉस्पिटल जाना चाहती हैं। क्योंकि अक्षरा के घरवाले सारे काम धाम छोड़कर अक्षरा की सेवा में लगे रहते हैं। बस यही बात अक्षरा को चुभ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो कमजोर पड़े। क्या हुआ है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मुझे प्लीज बताइए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दवाई वाली बात की वजह से आपको बुरा लगा है, मैं घबरा गया था इसलिए मैंने ये सब कहा। नैतिक, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा प्लीज, क्या बात है मुझे बताइए तो प्लीज, किसने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कहा, कुछ तो बताइए। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है नैतिक, किसी ने ना कुछ कहा ना किसी ने कुछ किया, सब कुछ हो जाने के बाद भी कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब चुप है। मैं क्या बेवकूफ हूँ, मैं आती हूँ बस। जी अभी आप लोगों ने ही देखा, तो आप लोग ये कह रहे थे कि ये सीन देख के काफी हम भी इमोशनल हो गए, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो मिली है उससे लगता है कि ठीक ठाक हो गया होगा सीन, जो आपको भी पसंद आ रहा है तो शायद दर्शकों को भी पसंद आएगा। एक्चुअली काफी वक्त से, बिकॉज जिस दौर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, अक्षरा की आंखों की रोशनी चली गई है, वो देख नहीं पा रही है, तो काफी फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर भी बिल्डअप हो रहा है, काफ़ी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, मैं ज़्यादा ख्याल और प्रोटेक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ होता है, तकरार हो रही है दोनों के बीच। पहले मैं नहीं चाह रहा था कि वो स्टिक ले, फिर फाइनली वो बात मनवा लेती हैं, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे कि बिल्डअप हो रहा है, और आज थोड़ा सा तकरार दोनों में हो गई, और जहाँ पर काफ़ी इमोशंस दोनों के ही बह गए, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, सही हैं, बाकी आप सीन देखिएगा कि क्या हुआ है और क्या बातें कर रहे हैं उसमें। इससे पहले कि नैतिक समझाते बुझाते, अक्षरा अपनी जिद पर ही अड़ गई, उन्हें तो हॉस्पिटल जाना है तो जाना ही है, अक्षरा की आंखों की रोशनी चली गई है और इस बात से अक्षरा चिड़चिड़ी हो गई है। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं ऑफकोर्स वो हमारे बारे में सोच रही है, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जैसे वो बोझ हो गए हम पर, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे कभी बोझ नहीं हो सकते हैं, लेकिन वही होता है, उनकी यही थॉट है कि आप मुझे अब हॉस्पिटल भेज दीजिए, अब ये कहाँ से आ गया दिमाग में पता नहीं, और ये सुन के मैं तो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट हो जाता हूँ, एंड काफ़ी हर्ट भी हो जाता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई लीव द सीन एंड गो। इमोशनल गुस्सा है, वो हर्ट हो जाता है आदमी, थोड़ा सा चले भी जाता है, अभी क्या बोले, एंड आदमियों की वैसे भी यही दुर्दशा होती है घर में, तो कुछ ज्यादा इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो खुद की पिटाई हो जाएगी। चलिए हम भी दुआ करते हैं कि अक्षरा की सारी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएं और सिंघानिया फैमिली में खुशियां जल्द से जल्द दस्तक दे दें। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।